हेलो जी, वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो हमारे डीएसए सीरीज के हम 119th लेक्चर पर पहुंच चुके हैं और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसका नाम है रशियन डॉल्स। बट रशियन डॉल करने से पहले हमें LIS को समझना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। इसके ब्रूट फोर्स से लेकर इसके मोस्ट ऑप्टिमल स्पेस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तक हम डिस्कस करने वाले हैं, कोड करने वाले हैं, समझने वाले हैं और मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रशियन डॉल्स वाला क्वेश्चन समझाया जाएगा और फिर आप उसको खुद इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग द स्ट्रेटजी जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ने कहा गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, आपको एक इंटीजर्स का एरे दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द लेंथ, आपको लेंथ निकालनी है। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस स्ट्रिक्टली फ्रॉम द गिवन एरे, तो आपको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ निकालनी है। सब सीक्वेंस क्या होता था? सिर्फ सब सीक्वेंस में या कुछ भी नहीं, आपके पास कोई भी ऑर्डर में एलिमेंट पड़े हुए हैं, जैसे मान लो इस प्रकार आपका कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं 1, 3, 5, 7, 8, 9, तो मैं कह सकता हूँ कि 1, 3, 5 एक सब सीक्वेंस है, या फिर मैंने उठा लिया 1, 5, 8 एक सब सीक्वेंस है। मतलब कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो जो आपका मन करे, ठीक है, आपकी मर्जी है। बट एक कंडीशन है कि उसका ऑर्डर मेंटेन रखना, कि 1 अगर पहले आया तो 1 पहले ही होना चाहिए, ठीक है। 5 अगर 1 के बाद आया तो 1 के बाद ही होना चाहिए। 9 अगर 5 के बाद तो 9, 5 के बाद ही होना चाहिए। ऐसा नहीं करना आपको कि इसको 9, 1, 5 लिख दिया, नहीं, 9, 1 से पहले थोड़ी आया था इस सारे के अंदर, या फिर 1 या फिर 5 9 से बाद में थोड़ी आया था इस सारे के अंदर, राइट। तो कोई भी एलिमेंट उठा लो, कितने भी एलिमेंट उठा लो, बस ऑर्डर प्रिजर्व करना, उसको मैं सबसीक्वेंस कह दूंगा, ठीक है। ये एक छोटी सी प्यारी सी देसी सी डेफिनेशन थी आपकी सबसीक्वेंस के बारे में। हमें क्या निकालना है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब कोई बात नहीं, सिंपल है, असेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना यार, कैसा हो गया 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, 5 आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको इंक्रीजिंग कहते हैं। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला सब सीक्वेंस आपको देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एग्जांपल देते हैं आपको एक। जैसे मान लो इनपुट के अंदर आपको कुछ इस प्रकार की चीजें दी गई है, जहां बोला गया है कि 5, 8, 3, 7, 9, 1, तो ये मेरे को एक इनपुट में एरे दिया हुआ है। मैंने बोला इसका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या होगा, आपने बोला भी अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो 5 के बाद 8 इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही। अब 3 इंक्रीज नहीं कर रहा, तो 7 भी इंक्रीज नहीं कर रहा, 9 कर रहा, हाँ। तो आपका एक सब सीक्वेंस क्या आ गया इंक्रीजिंग वाला, भैया 5, 8, 9 आ गया। आपने बोला भैया अगर मैं 8 से स्टार्ट करूँ तो, कि अगर मैं पहले 8 ले लूँ, ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, ये ले लूंगा, 8, 9 आ गया, ठीक है। आपने 3 से स्टार्ट किया तो क्या आंसर बनेगा, भैया 3 ले लिया, 7 भी ले सकता हूँ इसके बाद, फिर 9 भी ले सकता हूँ इसके बाद, 1 नहीं ले सकता, ठीक है। फिर आपने 7 से स्टार्ट किया, 7 ले लिया तो 9 ले सकता हूँ क्योंकि 9 7 से बड़ा है, 1 नहीं ले सकता क्योंकि 1 छोटा है। अगर मैं 9 से स्टार्ट करूँ तो 1 तो ले नहीं पाऊंगा, सिर्फ 9 आ गया। अगर 1 से स्टार्ट करूँ तो सिर्फ 1 ले लूंगा। तो ये कुछ कुछ मेरे इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ गए, ठीक है, ये मेरे सारे इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ गए। और भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप बोलो भैया कि 5 सिर्फ ले लिया या सिर्फ 8 ले लिया, इस प्रकार, तो ये भी हो सकते हैं। बट हाँ, ये आपके कुछ कुछ इंक्रीजिंग सब सीक्वेंसेज आ गए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंसेज आ गए। मैंने बोला इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा, आपने बोला भाई ये भी 3 लेंथ का है और ये भी 3 लेंथ का है, तो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर 3 आ गया क्योंकि सबसे ज्यादा लेंथ इसी की है ना 3, तो इसमें यहाँ पे मेरा आंसर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो उन्होंने बोला कि ओ ऑफ एन लॉग एन और ओ ऑफ एन स्पेस के अंदर हमें ये सॉल्व करके दे दो। हमने कहा ठीक है, ठीक है, देख लेंगे वहां तक पहुंचेंगे, पर अभी वो चिंता नहीं है। अभी हमारे दिमाग में ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आ रही है, अभी हमारे दिमाग में ब्रूट फोर्स अप्रोच ये आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम हर एलिमेंट के पास जाके सोच रहे हैं कि इसको लूं या ना लूं, राइट। कुछ कुछ याद आया, इसको लूं या ना लूं, टेक या नॉट टेक, इंक्लूड या एक्सक्लूड, तो ये चीजें हम करके देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके पास, तो आ गया 5, 8, 3, 7, 9, 1, ठीक है। तो इस प्रकार आपने लिख दिया। मैंने बोला स्टार्टिंग में जो आपका इंडेक्स है या फिर जो आपका आई है वो यहाँ पर है, स्टार्टिंग आपका आई यहाँ पर है। आप जब 5 के ऊपर थे, आपने पूछा यार, सोचा क्या यार 5 को आंसर के अंदर इंक्लूड करूं, तो आपने 2 कॉल करी यहाँ से, एक कॉल करी आपने इंक्लूड वाली, एक कॉल करी आपने एक्सक्लूड वाली, इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो आपका एग्जैक्ट एरे आ गया 5, 8, 3, 7, 9, 1, आई आगे बढ़ गया होगा, आई इसके ऊपर आ गया, और आपका आंसर एरे क्या हो गया, आंसर के अंदर आपका 5 आ चुका है, ठीक है, ठीक है। एक्सक्लूड के केस में भैया कुछ नहीं, एक तो जो आपका एरे है उसी से उतार दो, 5, 8, 3, 7, 9, 1, आई आगे आ चुका होगा, और आंसर में तो एक्सक्लूड किया हुआ, तो आंसर सेम एम्प्टी का एम्प्टी रहेगा, स्टार्टिंग में आंसर एम्प्टी था, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे जब आई 8 के ऊपर था, फिर दोबारा एक कॉल गई इंक्लूड वाली, फिर दोबारा एक कॉल गई एक्सक्लूड वाली, तो उसी प्रकार सेम यहाँ पर मेरा आंसर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 5, 8।
भाई जो भी आएगा उसको लेना ही पड़ेगा क्या? मैंने बोला इंक्लूड आप तभी करोगे, इंक्लूड में भी एक कंडीशन है, इंक्लूड आप तभी करोगे जब वो एलिमेंट जो है वो पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा होगा। अगर वो बड़ा ही नहीं हुआ तो इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस कैसे बनाओगे? तो इंक्लूड करने में एक कंडीशन लगेगी एक्स्ट्रा, इंक्लूड करने में एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगी कि अगर आप जिस एलिमेंट को इंक्लूड करना चाहते हैं वो आपके इस वेक्टर में जो लास्ट में एलिमेंट पड़ा है उससे बड़ा है तो ही इंक्लूड कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। सिंपल लॉजिक खत्म। ऐसे करते 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 जब आपका आई जो है इस एरे से बाहर निकल जाएगा आपकी बेस कंडीशन हो जाएगी कि आई मेरे एरे से बाहर निकल गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा जो भी इस वेक्टर की लेंथ होगी, जो भी इस वेक्टर की लेंथ होगी उसको मैं स्टोर करा लूंगा और उसका मैक्सिमम लेता रहूंगा। राइट, आपके जितने भी बेस केस रीच होंगे हर बेस केस के अंदर आप लेंथ को अपडेट करोगे मैक्सिमम लेंथ से। बात समझ में आती है? आपके जितने भी बेस केस रीच होंगे, जैसे यहाँ पर एक बेस केस रीच होगा, यहाँ पर एक बेस केस रीच होगा, उसके बाद यहाँ पे और भी फ्लो बनेंगे, आपका ग्राफ बनता चला जाएगा आगे। ठीक है, आपका ग्राफ और आगे बनता चला जाएगा और आगे बनता चला जाएगा। तो जितने भी बेस केस रीच होंगे यहाँ पर, जितने बेस केस रीच होंगे उन सभी केस में आप लेंथ को अपडेट कर दोगे कि भैया मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी निकल के आ रही है, उस लेंथ को हम रिटर्न करवा देंगे। ऐसा कुछ कुछ है। एक बार थोड़ा कोड देखते हैं आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया एक 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 कंफ्यूजन है मुझे। मतलब हमें तो सिर्फ लेंथ निकालनी है ना, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, बट आप तो ये पूरा वेक्टर के अंदर स्टोर करा रहे हो, यहाँ पर तो स्पेस लग जाएगा बहुत सारा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं वेक्टर में स्टोर ना कराऊं? मैंने बोला ध्यान से सोचो, हम हर बार कर क्या रहे हैं, जब भी हमें इंक्लूड करना है तो हम क्या करते हैं, हम करंट वाले एलिमेंट को जिसके ऊपर भी आई पड़ा उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, उसको वेक्टर के एंड में लास्ट में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उससे कंपेयर करते हैं, लास्ट में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उससे कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए ना, पूरा वेक्टर थोड़ी चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं इस रिकर्जन को दो इंडेक्स से कर सकता हूं, एक इंडेक्स ये वाला जिसको मैं बोल दूंगा कि तुम करंट इंडेक्स हो, और एक इंडेक्स ये वाला जो इसमें एंड पे पड़ा होगा इसको बोल दूंगा प्रीमियस इंडेक्स हो, और इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपका करंट इंडेक्स जो होगा वो जीरो होगा, और स्टार्टिंग आपका प्रीवियस इंडेक्स क्या होगा, इस करंट से पहले कौन सा इंडेक्स एक्जिस्ट करता है, स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपने इसको प्रीवियस इंडेक्स को माइनस वन कर दिया। राइट, तो इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा हाँ जूम कर देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, यूआई बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, हमने बोला कि चलो एक फंक्शन लिखते हैं रिटर्न सॉल्व, इसमें एन पास कर दिया, ए पास कर दिया, जीरो इंडेक्स पास कर दिया, माइनस वन इंडेक्स पास कर दिया जी। चलो भैया माइनस वन इंडेक्स तो होता ही नहीं है, मैंने कोई बात नहीं, भी चेक कर लेते हैं। मैंने बोला दोस्त कि इंट सॉल्व, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट एन, इंट ए, इंट करंट इंडेक्स और इंट प्रीवियस इंडेक्स, ऐसा। ठीक है, इतना हो गया। मैंने बोला बेस केस क्या कहता है कि यार अगर मेरा जो करंट इंडेक्स है वो एंड तक पहुंच जाए, एंड तक मतलब कि पूरा एरे ट्रैवर्स कर चुका है, तो इस केस में आंसर रिटर्न करूंगा, मैं आंसर जीरो रिटर्न करूंगा, इस केस में आंसर जीरो रिटर्न करूंगा। बात समझ में आती है? तो इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व किया है। अब इसके आगे सोचते हैं भैया, एक तो केस बनेगा टेक वाला, एक केस बनेगा नॉट टेक वाला। बनेगा ठीक है, लेट से मैं टेक वाले केस के बारे में सोच रहा हूँ, तो टेक मैं कब करूंगा भैया? टेक आप कब करोगे, एक एलिमेंट को इंक्लूड आप कब करोगे, टेक हटाते हैं, इंक्लूड करते हैं भैया, एक एलिमेंट को इंक्लूड आप कब करोगे, जब वो एलिमेंट पुराने वाले एलिमेंट से बड़ा होगा, जब वो एलिमेंट पुराने वाले एलिमेंट से बड़ा होगा। राइट, तो मैंने बोला कि यार ठीक है, तो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? तो बोला एक कंडीशन है दोस्त, एक कंडीशन का ध्यान रखना हमेशा, जो पहले एलिमेंट होगा हमेशा, पहले एलिमेंट को तो मैं हर केस में टेक करूंगा कि नहीं करूंगा, पहले एलिमेंट को हर केस में टेक करूंगा कि नहीं करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि पुराने वाले से कंपेयर नहीं करा पाओगे ना यहाँ पे आप, क्योंकि पुराने वाला तो एलिमेंट एक्जिस्ट नहीं करता, उसका इंडेक्स आपने माइनस वन किया हुआ है। तो आप बोला अगर मेरा प्रीवियस इक्वल टू माइनस वन है, या फिर प्रीवियस इक्वल टू माइनस वन, इसका मतलब क्या है कि आप पहले एलिमेंट पर स्टैंड करते हैं। राइट, अगर प्रीवियस माइनस वन होगा तभी तो आपका करंट पहले एलिमेंट बड़ा होगा। राइट, ये केस तक एक्जिस्ट करता है। अगर आपका प्रीवियस इक्वल टू माइनस वन तो आप इंक्लूड करोगे, या फिर एक और कंडीशन, या फिर आपका ए ऑफ करंट जो है वो बड़ा है ए ऑफ प्रीवियस से, अगर आपका करंट वाला एलिमेंट प्रीवियस वाले से बड़ा है तो आप इंक्लूड करोगे, या फिर आपका पहला एलिमेंट है तो आप इंक्लूड करोगे। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इंट टेक इज इक्वल टू जीरो कर दिया, मैंने बोल दिया इसको टेक इज इक्वल टू व्हाट, इसको इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है मतलब वन प्लस कर दिया, इसका काउंट वन हो गया। राइट, जो भी एलिमेंट मैंने इंक्लूड किया उसका काउंट तो वन हो गया, हमेशा वन ही होगा, एक एलिमेंट इंक्लूड किया ना, और आगे के लिए इसको किसको कॉल कर देंगे, आगे रिकर्जन संभाल लेगा, तो आगे के लिए कॉल कर दे रिकर्जन को, तो साइज रिमेन सेम, एरर रिमेन सेम, करंट इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। राइट, करंट इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा, और प्रीवियस इंडेक्स
भैया प्रीवियस इंडेक्स क्या हो जाएगा, भैया प्रीवियस इंडेक्स जो आपका करंट इंडेक्स बन जाएगा, राइट। अगर मान लो यहां पर आपका ये प्रीवियस इंडेक्स था और इसके आगे वाला करंट इंडेक्स था, तो अगले इटरेशन में करंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये करंट बन जाएगा और प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा, तो प्रीवियस इक्वल टू करंट हो गया, राइट। तो आपने यहाँ पे करंट पास कर दिया, ठीक है, ये आपके टेक की कॉल हो गई। अब केस आया एक्सक्लूड का कि भाई मुझे मुझे एक्सक्लूड करना है, मुझे इंक्लूड नहीं करना। तो एक्सक्लूड में आपने निकाला कि इंट नॉट टेक, नॉट टेक इक्वल टू व्हाट, जो करंट एलिमेंट है उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, तो यानी जीरो प्लस कर दो, आगे के लिए कॉल कर दो। आगे के लिए कॉल करी तो करंट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया है, करंट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया है, तो मैं करंट के तो आगे बढ़ गया, चलो पहले एन पास कर दिया, ए पास कर दिया, करंट वाले इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दिया। पर प्रीवियस वाला क्या होगा, क्या प्रीवियस वाला करंट होगा इस केस में? नहीं, प्रीवियस वाला रिमेन्स सेम जो पहले था वो, राइट। नीचे वाले केस में भैया इसमें पहले वाला क्यों आया और पुराने वाले में करंट क्यों आया? पुराने वाले में करंट क्यों आया, क्योंकि मैंने इंक्लूड कर लिया, राइट। जैसे मान लो आप ऐसे स्टेज पे खड़े हो जहाँ पे यहाँ पर आपका करंट पड़ा हुआ है और यहाँ पर आपका प्रीवियस पड़ा हुआ है, अगर मैंने बोला कि इसको मुझे इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना, तो क्या होगा, अगले केस में आपका करंट यहाँ पे आ जाएगा और आपका प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला कि यहाँ पर रिकर्सिव कॉल में प्रीवियस की जगह करंट पास कर दो, राइट, ये चीज कर दी। बट अगर मान लो सेकंड केस है एक्सक्लूड वाला, कि मान लो आपका करंट यहाँ पे था और आपका प्रीवियस जो है यहाँ पे था, मैंने बोला इसको मुझे एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना, तो मेरा करंट आगे बढ़ जाएगा बट मेरा प्रीवियस रिमेन्स सेम जो पहले था, राइट। तो यहां से मैंने आंसर निकाल लिया, मैंने बोला रिटर्न कर दो मैक्स ऑफ जो भी आंसर आ रहा है। आई थिंक ये चलना चाहिए, एक बार रन करके देखते हैं इसको, कंपाइल एंड रन कर लिया हमने, आंसर आ रहा है 66, मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब क्योंकि रिकर्जन है तो टीएलई मारेगा, ये टीएलई मारेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीडेड, टीएलई मार गया है, वेरी गुड, मतलब वैसे वेरी गुड नहीं, इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हमने देखा कि यार ये चलो ये तो हमने लिख दिया, अब एक रिकर्सिव सॉल्यूशन हमने बना लिया, इसे मेमोराइजेशन ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसको अगर आप डायरेक्ट करेंगे दो तीन एग्जांपल पर, आपको देखा कि बहुत सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है इसके अंदर, राइट। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम जब होगी तो वहां पर तो हम डीपी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डीपी लगानी है, तो हमने क्या बोला रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन करके देखते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, इसकी कॉपी ले ली सॉल्व और मैंने इसका नाम दिया सॉल्व मेमोराइजेशन, ऐसा यहाँ भी चेंज कर दिया सॉल्व मेम, इसको मैंने कमेंट कर दिया। मैंने बोला किस प्रकार करते हैं रिकर्जन के अंदर मेमोराइजेशन को ऐड, भैया सबसे पहले डीपी वाला एरे बना दो, मैंने कहा ठीक है वेरी गुड। तो आपने एक वेक्टर बना दिया, वेक्टर ऑफ इंट, भैया कैसे पता लगा 2D एरे बनाना है, आपको कैसे पता लगा 2D डीपी है? मैंने बोला ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एक करंट वाला पैरामीटर है, ये करंट प्लस वन और करंट प्लस वन हुआ, बिल्कुल हुआ भैया, तो एक स्टेट चेंज हो गई। ये जो प्रीवियस वाला पैरामीटर है, ये करंट और प्रीवियस हुआ, तो दूसरी स्टेट भी चेंज हो गई, तो दो स्टेट चेंज हो रही है आपकी इस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। तो मैंने बोला यहाँ पे 2D डीपी मुझे बनानी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, आपका जो करंट वाला इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, भैया आप जीरो से शुरू कर रहे हो उसको, एन माइनस इंडेक्स तक जा रहा होगा, मैंने कहा बिल्कुल सही। और जो प्रीवियस वाला है वो कहाँ तक जा रहा है, भैया उसका माइनस वन से शुरू कर रहे हो और वो जा रहा होगा आपका एन माइनस वन तक, ठीक है। इस प्रकार भैया कुछ कुछ कर रहे हो आप, मैंने कहा ठीक है। तो हमें करना है इसमें मेमोराइजेशन ऐड करनी है, इसमें मेमोराइजेशन ऐड करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वेक्टर ऑफ वेक्टर डीपी करके एक अपना 2D एरे तैयार कर लिया। मैंने बोला भैया तुम हो जाओ एन साइज के, और कॉलम्स कितने बनाने हैं। आपने बोला भैया माइनस वन से एन माइनस वन तक तो मेरा डेटा जा रहा है, माइनस वन से एन माइनस वन तक तो मेरा डेटा जा रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो ये कितने हैं टोटल, कितने एलिमेंट हुए, ये टोटल एन एलिमेंट हो गए भैया, टोटल एन एलिमेंट हो गए। तो एन एलिमेंट को अगर मुझे दर्शाने एक एरे के अंदर, तो मुझे किस साइज का एरे बनाना पड़ेगा, मुझे एन प्लस वन साइज का एरे बनाना पड़ेगा। समझ में आई, दोबारा समझा देता हूँ। तो मैंने बोला कि प्रीवियस जो मेरा है, प्रीवियस इंडेक्स, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो माइनस वन से लेकर एन माइनस वन तक जा रहा है। जीरो से लेकर एन माइनस वन तक कितने एलिमेंट होते हैं भैया, टोटल एन एलिमेंट होते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तो ऐसे ही माइनस वन से लेके एन माइनस वन तक कितने एलिमेंट हो जाएंगे भैया, एन प्लस वन एलिमेंट हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि मेरे को अपने प्रीवियस वाले इंडेक्स के लिए टोटल एन प्लस वन एलिमेंट चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि इसका साइज एन प्लस वन रखना, इनिशियलाइज कर दो माइनस वन के साथ, ठीक है। यहाँ मैंने अपना फंक्शन कॉल कर दिया सॉल्व मैम, यहाँ मैंने पास कर दिया एन कॉमा ए कॉमा जीरो कॉमा माइनस वन कॉमा डीपी। चलो इतना हो गया, फर्स्ट स्टेप डन, डीपी वाला क्रिएट कर गया। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जहां पर भी तुम्हारा आंसर स्टोर हो रहा है या रिटर्न हो रहा है, वहां पर डीपी लगा दो। तो तुमने देखा कि यहाँ पर डीपी लगा सकते हैं हम, यहाँ मैंने क्या बोला डीपी ऑफ व्हाट,
डीपी ऑफ व्हाट, डीपी ऑफ करंट इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स, इसको आपने स्टोर कर दिया ऐसे इस प्रकार। भैया क्या ये करना सही है, क्योंकि आपने ना प्रीवियस माइनस वन भेजा है तो यहाँ पे प्रीवियस माइनस वन होगा और इंडेक्स में माइनस वन चला जाएगा, तो माइनस वन तो कोई वैलिड इंडेक्स होता है नहीं, मैंने बोला वेरी गुड। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हमेशा कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, राइट। कि हमेशा माइनस वन जब प्रीवियस है उसको आप किस इंडेक्स से दर्शा रहे हो, उसको आप जीरो इंडेक्स से दर्शा रहे हो। ऐसे ही आपका एन माइनस वन जो है उसको आप दर्शा रहे हो एनथ इंडेक्स से, राइट। इस प्रकार तो हमेशा प्रीवियस वाले के अंदर प्लस वन कर देना ताकि इनवैलिड इंडेक्स ना बने। तो समझ में आ गई चीज हमें, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेकंड स्टेप डन हो गया। थर्ड स्टेप, बेस केस के खत्म होने के बाद वहां पर चेक कर लो डीपी वाले एरे को पहले, कि डीपी वाले एरे के अंदर पहले से आंसर पड़ा हुआ है, ऑलरेडी आंसर पड़ा हुआ है तो मुझे आगे कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है, उसी आंसर को मैं रिटर्न कर सकता हूं। तो इस प्रकार मैंने वो आंसर रिटर्न कर दिया। आई थिंक ये कोड चलना चाहिए, मैंने एक बार रन करके देखा चला नहीं चला, कंपाइलेशन एरर, वो कह रहा डीपी जैसी कोई चीज नहीं भेजी आपने, मैंने बोला माफी प्रभु माफी, वेक्टर एंड ये आ गया आपकी डीपी, और डीपी आपको इन सारी फंक्शन कॉल के अंदर भी पास करनी पड़ेगी। आपने कंपाइल एंड रन कर दिया, आंसर अभी भी गलत आ रहा है। वो कहता है कि भाई एक्सपेक्टेड ब्रैकेट के कहीं पे दिक्कत है 59 लाइन के आसपास, चेक करो फटाफट। हमने कहा ओके गिव मी अ सेकंड, कहाँ पर गड़बड़ है बताएं। डीपी से पहले ब्रैकेट, अच्छा हमने कॉमा नहीं लगाया हुआ, कॉमा नहीं लगाया हुआ दोस्तों। इसको हमने कंपाइल रन किया सही आ रहा है, एक बार इसको सबमिट किया, आई थिंक अब कोड चलना चाहिए, डीपी लगा दी ना हमने, अब तो कोड चलना चाहिए, कोड चल गया। तो इस प्रकार हमने इसको पास करवा दिए सारे के सारे टेस्ट केस। तो हमारा टॉप डाउन का सोल्यूशन हो गया है, हमारा टॉप डाउन का सोल्यूशन हो चुका है एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लग रही है टोटल एन स्क्वायर, और स्पेस कितना लग रहा है, स्पेस भी एन स्क्वायर लग रहा है। अब हमने क्या बोला कि हम बॉटम अप सॉल्यूशन बना के देखेंगे एक बार, और देखते हैं क्या वो हम कर पाएंगे या नहीं। हमने बोला ठीक है तो हम गए यहाँ पर, अच्छे से चलते हैं। हमने बोला ये रहा तुम्हारा थर्ड फंक्शन जिसका नाम रख दिया सॉल्व टैब, सॉल्व यूजिंग टेबुलेशन, यहाँ पास कर दिया आपका एन और आपका एरे। हम बोला सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर लो, वेक्टर डीपी वाला डीपी, और आपने बोला एन रोज, और आपने बोला कि वेक्टर इंट एन प्लस वन कॉमा जीरो, ऐसे करके आपने डीपी वाला एरे क्रिएट कर लिया, स्टेप नंबर वन यही कहता है। हमने बोला इसके बाद क्या करते हैं भैया, बेस केस चेक करते हैं ऊपर वाला जो हमने मेमोरेशन और सॉल्यूशन लिखा है, और उसके हिसाब से इसमें चेंजेस करेंगे। बेस केस कहता है अगर आपका करंट जो है इक्वल टू एन है तो उसके इसमें जीरो सेट कर देना। तो हम तो स्टार्टिंग में डीपी को जीरो सेटलाइज किया पूरा का पूरा, तो हमें ऐसा कुछ एफर्ट मारने की नीड नहीं है। अगर आप पहले देखेंगे आपके इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स थे, एक आपका करंट इंडेक्स और एक आपका प्रीवियस इंडेक्स, इस प्रकार चल रहे थे कि करंट इंडेक्स जो था आपका जीरो से लेकर एन माइनस वन तक गया था, और प्रीवियस आपका एन माइनस वन से लेकर एन माइनस वन तक गया था। ये था आपका टॉप डाउन वाला सोल्यूशन, आपको क्या करना है बॉटम अप वाला सोल्यूशन बनाना। तो आप लोग को जस्ट फ्लो उल्टा कर देना है कि इसको ऐसे ले आऊंगा, इसको ऐसे ले आऊंगा, इस प्रकार, बात समझ आती है। तो आपने बोला सिंपल है यार, तो कर लूंगा, तो बड़ा आसान सा लग रहा है। तो आपने क्या बोला कि ब्रो फोर एंट करंट इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, ओके करंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, करंट माइनस माइनस फॉर एंट प्रीवियस इज इक्वल्स टू, प्रीवियस कहाँ शुरू होता है हमेशा, प्रीवियस तो हमें पता है, प्रीवियस का डेफिनेशन क्या होता है बाय डेफिनेशन, भैया प्रीवियस करंट से एक पीछे वाला होता है, तो वही तो करना है, करंट माइनस वन, ठीक है। यहाँ से कहाँ तक जाएगा प्रीवियस, तुम चाहो तो तुम ऐसे कर सकते थे, पर ये और ऑप्टिमाइजेशन होगी ना भाई, तो प्रीवियस कहाँ तक जाएगा भैया, माइनस वन तक जाएगा। मैंने बोला वेरी गुड, इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर कुछ नहीं भैया, जो ऊपर कोड लिखा हुआ है वही उठाओ और चिपका दो यहाँ पे, चल जाना चाहिए। तो हमने कोड यहाँ चिपका दिया देसी भाषा का प्रयोग करते हुए, ठीक है। हमने बोला टेक इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कुछ करने की नीड नहीं है। अगर प्रीवियस इक्वल टू माइनस वन है, या फिर एरे ऑफ करंट जो है वो एरे ऑफ प्रीवियस से बड़ा है, तो उस केस में ये चीज कर दूंगा। तो इस रिकर्सिव फंक्शन को मुझे डीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने बोला डीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने बोला ये रही डीपी, तो इस प्रकार मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया हमारे डीपी के अंदर, बहुत बढ़िया।
फिर मैं इस वाले लाइन पे आया, यहाँ पे मुझे फिर दोबारा रिकर्सिव फंक्शन दिखा, रिकर्सिव कॉल दिखा, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया डीपी के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ प्रीवियस दिखा लिखा हुआ, आपको यहाँ पे ये प्रीवियस लिखा हुआ दिख रहा है, और आपको अच्छी तरह पता है प्रीवियस है सीधा पढ़ा लिखा हुआ आपको नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो है वो माइनस वन भी होगा एक केस में, और माइनस वन एक वैलिड इंडेक्स नहीं होता, तो आपको यहाँ प्लस वन करना पड़ेगा। ठीक है, इस रिटर्न को हटाओ यहाँ से, यहाँ पे करंट प्रीवियस इस प्रकार आपने आंसर निकाल दिया। ओके, बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या रिटर्न करना है, आंसर क्या रिटर्न है भैया, आपने जीरो कॉमा माइनस वन से स्टार्टिंग करी थी तो वही रिटर्न करो ना। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, समझदार हो गए। तो आपने यहाँ पे आके बोला वही रिटर्न करना है डीपी ऑफ जीरो कॉमा माइनस वन, पर भैया माइनस वन तो होता ही नहीं है वैलिड इंडेक्स, तो मैंने वही तो बोला शुरू से कि लेके अब तक कि उसमें प्लस वन कर देना, इस प्रकार आंसर आ जाएगा। तो माइनस वन प्लस वन क्या होता है, जीरो होता है, तो आपने जीरो लिख दिया सीधे सीधे यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस फंक्शन से चेक करते हैं कि सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन या नहीं होगा। तो हमने इसको एक बार चला के देखा, हमने लिखा रिटर्न सॉल्व टैब आपका एन कॉमा ए कॉमा, बस इतना ही, चला के देखते हैं। इन्होंने बोला कि गड़बड़ है, हमने बोला कहां पर सेगमेंटेशन फॉल्ट, कोई गलत इंडेक्स हम ट्रैवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, चेक करते हैं। हमने बोला एन माइनस वन से जीरो तक जाना, ओके ठीक है, क्या गलती है, करंट जो है वो एन माइनस वन है और करंट प्लस वन करने की कोशिश कर दी है, तो स्टार्टिंग आपने एंडिंग इंडेक्स से कर लिया पर प्लस वन करने की कोशिश की है, आगे तो कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ ना, तो यहाँ गलती है, तो हमें इसका एन प्लस वन करना पड़ जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन चल जाना चाहिए। 13 और 6, अलग ही लेवल गलती। दोबारा चेक करते हैं, हमने बोला करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल ठीक है, प्रीवियस जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल ठीक है, टेक जीरो है, प्रीवियस अगर माइनस वन है, करंट प्रीवियस से बड़ा है, टेक इक्वल टू वन प्लस दिस नॉट इक्वल टू, ओके। तो इसमें बड़ी प्यारी गलती है, हम यहाँ पे प्लस वन करना भूल गए, हमें पता ना हमेशा कोऑर्डिनेट चेंज करना है यहाँ पे, तो यहाँ भी प्लस वन करना है, आपने देखो हर जगह हमने यहाँ प्लस वन करा राइट, तो यहाँ प्लस वन करना भूल गए हैं, एक बार रन करके देखते हैं। रन किया, आंसर सही आ रहा है, इसको हमने सबमिट कर दिया फटाफट, एक बार इसको सबमिट कर दिया, आई थिंक चलना चाहिए, और चल गया। तो इस प्रकार हमने बॉटम अप डीपी का प्रयोग करके इस सॉल्यूशन के द्वारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ रही है ओ ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी यहाँ पर आ रही है ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब सवाल आता है भैया स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का, क्या मैं इस सॉल्यूशन में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ, क्या यहाँ पर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर किस चीज पर डिपेंड करता है। हमने बोला हमारा डीपी ऑफ करंट प्रीवियस प्लस वन किस पर डिपेंड कर रहा है, लाइन नंबर 62 चेक करो, डीपी ऑफ करंट प्लस वन यानी नेक्स्ट रो, और यहाँ पे करंट प्लस वन, ओके कॉलम भी चेंज हुआ आपका। ठीक है, तो हमने बोला, और सेकंड चीज लाइन नंबर 66 चेक करो, डीपी ऑफ करंट प्लस वन फिर दोबारा नेक्स्ट रो और प्रीवियस प्लस वन। ठीक है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है करंट जो है वो करंट प्लस वन, करंट प्लस वन यानी कि आपकी दो रो से काम चल सकता है यहाँ पे, आपकी एक रो अगले वाले रो पर डिपेंड कर रही है, इन शॉर्ट क्या है हमारी करंट रो जो है हमारी नेक्स्ट वाली रो के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये चल रहा है। तो ये तो मैं दो रो से कर लूंगा ना, टू डी एरे बनाने की क्या नीड है, मैंने बोला बिल्कुल सही। तो आपने यहाँ पे दो रो बना दी, वन डी एरे बना ली, दो वेक्टर ऑफ एंड एक का नाम दिया करंट, जिसके अंदर आपने बोला कि एन प्लस वन आपके पास एलिमेंट हो सकते हैं, इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, एक और वेक्टर बना लिया वेक्टर ऑफ एंड, इसका नाम रख दिया आपने नेक्स्ट, आपने बोला कि आपके पास एन प्लस वन एलिमेंट हो सकते हैं, स्टार्टिंग कर दिया जीरो से, डीप वाले को हटा दिया, कोई नीड नहीं है इसकी। ठीक है, इसको आपने हटा दिया, फिर आपने बोला कि डीपी ऑफ करंट प्लस वन यानी नेक्स्ट रो की बात कर रहा है, आपने इसको नेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, डीपी ऑफ करंट प्लस वन यानी फिर से नेक्स्ट रो की बात कर रहा है, आपने इसको नेक्स्ट लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डीपी ऑफ करंट यानी कि करंट रो की बात कर रहा है, आपने इसको करंट लिख दिया। ठीक है, आई थिंक थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि मैंने सेम नाम लिख दिए, तो लेट्स से मैंने इसको बोला करंट रो, ऐसे लिख देता हूँ करंट रो। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो इस प्रकार। ठीक है, तो ये काम हो गया, और आपको पता है कि हर केस में अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, करंट तुम्हारा जो है वो n माइनस वन से स्टार्ट हुआ है, करंट जो है स्टार्टिंग में n माइनस वन से स्टार्ट हुआ है और ये डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि फ्री n माइनस टू पर चला जाएगा, फ्री n माइनस थ्री पर चला जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट तुम्हारा इस प्रकार होगा। तो एक अल्ट्रेशन में अगर करंट यहाँ पे और नेक्स्ट यहाँ पे है, तो अगले अल्ट्रेशन में करंट जो है ऊपर चला जाएगा, नहीं यहाँ पे आ जाएगा, और नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। साफ साफ क्या दिख रहा है कि हर एक अल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट विल बी इक्वल टू करंट। दोबारा समझाता हूँ,
मैंने बोला एक रो तुम्हारी ये रही, एक रो तुम्हारी ये रही, एक रो तुम्हारी ये रही। मान लो कि नेक्स्ट जो है वो इस वाले रो को दर्शाता है, करंट जो है वो इस वाले रो को दर्शाता है एक आइट्रेशन में। ये पूरी आइट्रेशन खत्म होने के बाद क्या होगा, ये करंट जो है हटके यहाँ पे चला जाएगा और ये नेक्स्ट जो है हटके यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उस आइट्रेशन खत्म होने के बाद नेक्स्ट इज इक्वल टू पुराने वाला करंट? बिल्कुल सही। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि भैया नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट। डीपी में आपने लिख दिया नेक्स्ट। ठीक है, अब चला के देख लेते हैं, अब चला के देख लेते हैं, फिर से गड़बड़, हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी कहीं पे। अब चला के देख लेते हैं, फिर से गड़बड़, हमने फिर से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी कहीं पे, फिर चला के देख लेते हैं, फिर से गड़बड़। वो कह रहा है कि नेक्स्ट क्या होता है, हमने फिर से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, नेक्स्ट रो आएगा। अब चलाओ, उसने बोला ठीक है चल रहा है, हमने बोला सबमिट करके देखो एक बार सही चलेगा कि नहीं चलेगा, और आंसर आ गया, वेरी गुड। तो इस प्रकार हमने ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी कर ली है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितना स्पेस लग रहा है इस सोल्यूशन के अंदर, हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम, दो लूप लगे हुए, ऑफ एन स्क्वायर लग गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने दो एन लेंथ के, एन प्लस वन लेंथ के आपने एरे बनाए हैं, तो आपका स्पेस क्या हो गया, ओ ऑफ टू मल्टीप्लाई एन प्लस वन, दैट इज ओ ऑफ एन। तो ठीक है, एन स्क्वायर से एन, पहले एन स्क्वायर थी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर आप ओ एन स्क्वायर से ओ एन तक तो आ गए हो, पर भैया क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है यहाँ पर कि उसको क्या चाहिए, उसको एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी और एन चाहिए। आपने एन तो कर दिया बट आपने एन लॉग एन नहीं किया है। ओके ओके, तो यहाँ पर आप एक बहुत ही क्लासी सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। अब आप जो पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं डीपी विद बाइनरी सर्च। अब आप जो पढ़ने वाले हैं उसे हम कहते हैं डीपी विद बाइनरी सर्च। इस सॉल्यूशन से रिलेट करते हुए, इस सॉल्यूशन से रिलेट करते हुए मैं आपको वो सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, वो अलग ही सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा तो ज्यादा आपको मतलब अप्लाई करने के चांसेस होंगे। जैसे अभी हम रशियन डॉल्स पढ़ेंगे तो रशियन डॉल में ये सॉल्यूशन अप्लाई कर पाएंगे हम, ठीक है। बट अगर आपने पहले से वो नहीं पढ़ रखा तो इंट्यूटिवली कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। समझाता हूँ मैं क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। एग्जांपल उठाते हैं फटाफट। एक हमने बोला 583791 इनपुट कहता है 583791, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि यार ठीक है, ऐसा करते हैं कि इस फाइव को मैंने ले लिया, तो आपका एक सबसीक्वेंस स्टार्ट हो गया, आपने इस फाइव को ले लिया, ठीक है। फिर आपका एट आया, क्या इस एट को मैं ले सकता हूँ? हाँ भैया, फाइव से तो बड़ा ही, एट ले सकते हो। फिर आपका थ्री आया, भैया थ्री तो नहीं ले सकते इस वाले के अंदर, तो आपने अलग से एक सबसीक्वेंस बना दिया, थ्री आ गया। फिर आपका सेवन आया, आपने पूछा क्या सेवन एट के बाद लग सकता है? नहीं भैया, छोटा है। क्या थ्री के बाद लग सकता है? हाँ भैया, लग सकता है, सेवन यहाँ लगा दिया। फिर आपका नाइन आया, आपने पूछा क्या नाइन एट के बाद लग सकता है? आपने बोला जी हाँ लग सकता है, जी हाँ लग सकता है। क्या नाइन सेवन के बाद लग सकता है? जी हाँ लग सकता है। फिर आपका वन आया, क्या वन नाइन के बाद लग सकता है? नहीं। क्या वन इस नाइन के बाद लग सकता है? नहीं। तो आपने अलग से बना दिया, आपका पूरा एरे खत्म हो गया। तो आपको क्या दिखा यार, तीन सब सीक्वेंस तो मुझे दिख रहे हैं बनते हुए, तीन सब सीक्वेंस तो मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, इंक्रीजिंग लॉन्ग, मतलब लॉन्गेस्ट तो नहीं है पर इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस तो है। इसमें जिसकी भी लेंथ ज्यादा होगी, इसकी तीन आ रही है, इसकी तीन आ रही है, इसकी एक आ रही है, इनका जो मैक्स आएगा वही तो मेरा आंसर है। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। तो इसी लॉजिक पर थोड़ा सा बेस्ड है, इसी लॉजिक पर थोड़ा सा बेस्ड है हमारा सोल्यूशन, ठीक है, इसी लॉजिक पर थोड़ा सा बेस्ड है। हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं बाइनरी सर्च कहाँ से आ रही है। भैया मैंने कहा रुको रुको जरा, मैंने बोला सबसे पहले तुम फाइव के ऊपर खड़े हो, तो तुमने यहाँ बोला कि फाइव को मैंने इंक्लूड कर लिया। अभी जो पुराना सोल्यूशन था जो हम देख रहे थे, पुराना सोल्यूशन की गलती क्या थी, उसके अंदर क्या भैया, आप सब ना सेव कर रहे हो, आप ये सब सेव कर रहे हो तो ऐसे मेमोरी ज्यादा लग जाएगी, आप ये सब कुछ सेव कर रहे हो तो ऐसे मेमोरी लग जाएगी ज्यादा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता, मतलब हम ये बताना थोड़ी चाहते हैं कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कौन सा है, हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस को प्रिंट थोड़ी कराना चाहते हैं। तो मैं क्यों ट्रैक करूं इनका, ट्रैक क्यों करूं, मुझे सिर्फ लेंथ से मतलब, मुझे लेंथ बतानी उस लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की, तो मैं लेंथ बताऊंगा ना, मैं सेव क्यों करूं फालतू में। लॉजिकल बात है भाई, बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो हमें लेंथ से सिर्फ मतलब है, हमें सिर्फ लेंथ से मतलब है, सब सीक्वेंस से मतलब नहीं है, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने बोला आप सबसे पहले आए 5 के ऊपर, आपने बोला ठीक है 5 के ऊपर आ गया मैं, ओके तो भैया 5 आ गया, ठीक है आप आए 8 के ऊपर, आपने बोला 8 डाल सकता हूँ क्या, मैंने बोला हाँ डाल सकते हो, 8 आ गया। तब मैं आया 3 पर, यहां पर क्या है यहां ध्यान से देखना, जब मैं 3 पर पहुंचता हूं मैंने बोला क्या मैं 3 को 8 के बाद लगा सकता हूं, आपने बोला 8 जो है 3 से बड़ा है, 3 जो है 8 से छोटा तो नहीं लगा सकते, तो क्या करूं। इस 3 को मैंने इसमें फिट करने की कोशिश करी, मैंने बोला इसकी सही पोजीशन क्या हो सकती है, आपने 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट पकड़ लिया, कौन है 5, आपने 3 यहां लगा दिया। फिर आप आए 7 पर, आपने बोला क्या 7 को 8 के बाद लगा सकता हूं, मैंने बोला नहीं लगा सकते छोटा है ना, तो आपने 7 की सही जगह पकड़ने की कोशिश की जो कि क्या होगी जस्ट बड़ा एलिमेंट पकड़ लिया 8, यहां पर 7 लगा दिया। अब 9 आता है, 9 बोलता है क्या मैं 7 के बाद लग सकती हूँ, मैंने बोला बिल्कुल लग सकती हो, तो 9 यहां लग गया। अब 1 आता है, 1 बोलता है क्या मैं 9 के बाद लग सकता हूँ, मैंने बोला नहीं लग सकते भाई तुम, तो अपनी सही जगह ढूंढता है जस्ट बड़ा एलिमेंट यहाँ पे आ गया। तो एट दी एंड आपके पास इस एरे के अंदर 1,7,9 हो गया। भैया क्या ये राइट सब सीक्वेंस है, मैंने बोला नहीं भाई, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है किस ऑर्डर में पड़ा हुआ है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि 7 तो देखो 1 से पहले आ रहा है, बट यहाँ तो 1,7 से पहले आ गया। इसको मत देख के ये मत समझना कि ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, इसकी जो लेंथ होगी वो तुम्हारा आंसर है, इसकी लेंथ तुम्हारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ तुम्हें दे देगा, इसका लेंथ तुम्हें तुम्हारा आंसर प्रोवाइड कर देगा। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। तो इस प्रकार से तुमने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करी है, ठीक है भैया। ये काट की सही जगह पर लगाना है, क्या क्या लॉजिक हुआ है, मतलब ध्यान से देखो, शुरू से देखते हैं। जब तुम्हारा यहाँ पर थे तुम, तुम्हारा आई जो है 5 के ऊपर था, तो तुमने क्या बोला क्या मैं स्टार्टिंग में 5 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो। फिर तुम 8 पे ऊपर आए, तुमने बोला क्या मैं 8 लगा सकता हूँ, मैंने बोला बड़ा है बिल्कुल लगा सकते हो। फिर तुम 3 के ऊपर आए, फिर तुम 3 के ऊपर आए, तुम्हें अब तक पता है कि मैक्सिमम लेंथ तो 2 ही है, मैक्सिमम लेंथ तो 2 ही है। जब तुम 3 से आंसर बनाओगे तो तुमने बोला कि एक आंसर 3 से ऐसे शुरू हो सकता है, एक आंसर 3 से ऐसे शुरू हो सकता है, ठीक है। बट अभी भी आंसर तो 2 ही रहेगा, अगर मैं 3 से भी आंसर शुरू कर लूँ और अभी तक यहीं तक पहुंचाऊं तो आंसर रिमेन्स 2, क्योंकि इसकी लेंथ 2 है। तो मैंने बोला कि यार इसको हटा के 3 यहां लगा देता हूं, इसको हटा के 3 यहां लगा देता हूं, क्या पता 3 से भी आंसर निकला है। उसके बाद मैं पहुंचा 7 के ऊपर, क्या 7 क्या लगा सकता हूँ, आंसर है नहीं लगा सकते भैया, मैंने कहा ओके पर क्या 7 को मैं ऐसे लेके चल सकता हूँ पैरेलली, हाँ भैया हाँ लेके चल सकते हो। तो तुमने एक तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया मित्र, तुमने बोला ये 3-7 से भी 2 आंसर आ रहा है और 5-8 से भी 2 आंसर आ रहा है, तो आपने काट के 7 को इस प्रकार रख दिया। तुमने पूछा क्या 9, क्या 9 मैं यहाँ रख सकता हूँ, भैया बिल्कुल 9 रख सकते हो। भैया ऐसे भी तो हो सकता है कि आपने जो काटने के बाद एलिमेंट लगाया है उसकी वजह से ये एलिमेंट ना रह पाए, ना आ पाए, क्योंकि ये एलिमेंट तो पुराने वाले से बड़ा होगा और इस वाले से बड़ा नहीं होगा। तुम ध्यान से सोचो, अगर किसी को काट के तुम कोई नया एलिमेंट लगा रहे हो तो ये डेफिनेटली श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि वो नया वाला एलिमेंट यानी कि ये 7 इस काटे एलिमेंट से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ये तो हमने कंडीशन लगाई है कि जो भी इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट है उसको काट के इसे लगा दो ताकि आगे वाला प्रोसेस ब्रेक ना हो। दोबारा शुरू से समझते हैं, ठीक है, दोबारा शुरू समझते हैं। तुम्हारी सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई सॉल्यूशन के अंदर, तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो मुझे मजा नहीं आएगा। मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मान लो तुम्हारा आई जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई 5 ये मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है अभी तक, बहुत बढ़िया। फिर तुम्हारा आई यहाँ तक आ गया, तुमने बोला क्या मैं 8 लगा सकता हूँ, हाँ भाई 8 बड़ा है बिल्कुल लगा सकते हो। तुमने बोला अब तक मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस 2 लेंथ का होगा, मैंने बोला बिल्कुल सही है। तुमने बोला क्या मैं 3 लगा सकता हूँ, मैंने बोला 3 इसके अंदर नहीं लग सकता, पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3 छोटा है 8 से, तो क्या करूँ। आपके दिमाग में आ रहा है कि मान लो पैरेलली मैं इसको लेके चल लेता हूँ, 3 को पैरेलली लेके चल लेता हूँ, बट मैंने कहा था पैरेलली मतलब स्पेस लगेगा एक्स्ट्रा, बट चलो पैरेलली ले लिया। अब आप आगे 7 पे, क्या 7 को ले सकता हूँ, आपने बोला 8 के बाद तो नहीं ले सकता, बट हाँ 3 के बाद जरूर लग सकता है, ठीक है। फिर आप आगे 9 पे, क्या 9 लग सकता है, हाँ इसके बाद भी लग सकता है और इसके बाद भी लग सकता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस एक्स्ट्रा स्पेस जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसकी जगह अगर मैं 5 की जगह 3 लिख देता हूँ, 8 की जगह 7 लिख देता हूँ, तो 9 तो यहाँ भी लग ही जाएगा। तो एक ही एरे के अंदर आपके सारे के सारे काम हो जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी। फिर आप आए 1 के ऊपर, आप मतलब 1 के यहाँ लग सकता है, नहीं लग सकता, तो इसको इसकी सही जगह पर लगा दो कि भाई 1 जो है आपने यहाँ लगा दिया 1, 7, 9। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब फटाफट इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि यार मान लो कि कोड इसका हम इस प्रकार लिख रहे हैं, हमने बोला
के एंड सॉल्व ऑप्टिमल। ठीक है भाई, ये जो जस्ट बड़े वाली चीज है ये कैसे निकलेगी, जब आप बार बार जस्ट बड़ा कह देते हो कि जस्ट बड़े का इंडेक्स निकाल के उसे रिप्लेस करा दो या वहां पर कॉपी कर दो काट के, वो कैसे निकलेगा? मैंने बोला बाइनरी सर्च पड़ी है, बाइनरी सर्च में लोअर बाउंड पड़ा था, अगर नहीं पड़ा तो एडिटर साहब यहाँ पे लगा देंगे हमारी बाइनरी सर्च वाली वीडियो का एक स्क्रीनशॉट और वहां पर एकदम देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो हमने बोला मान लो कि तुम्हारी लेंथ जो है वो जीरो है, तो इस केस में क्या होगा? अगर तुम्हारी लेंथ जीरो है और तुम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ ढूंढने निकले हो तो आंसर जीरो ही होगा। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमने क्या बोला कि हमें एक आंसर कह रहे चाहिए, वेक्टर इंट आंसर आंसर। ठीक है, मुझे ये पता है कि हमेशा पहला वाला एलिमेंट तो मैं स्टोर करूंगा ही करूंगा, है ना, पहले वाले से कंपेयर करने लगे तो कुछ है नहीं, तो पहला एलिमेंट तो हमेशा मेरे आंसर वाले एरे के अंदर आएगा आएगा। तो मैंने क्या बोला, आंसर डॉट पुशबैक जो भी आपका ए ऑफ जीरो होगा, बिल्कुल सही। अब मैंने लूप चला दी बाकी एलिमेंट के लिए, मैंने बोला फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन से लेके आई लेस देन आपका एन आई प्लस प्लस। ठीक है, इतना हो गया। क्या करना है, क्या करना है इसके अंदर? मैंने बोला बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल है। पहला कि मान लो तुम्हारा जो नया एलिमेंट है, यानी तुम्हारा ए ऑफ आई जो है वो तुम्हारा बड़ा है, किससे बड़ा है? जो भी लास्ट एलिमेंट है तुम्हारे इस आंसर एरे का, जो भी लास्ट एलिमेंट है तुम्हारे इस आंसर एरे का, वो कैसे निकालोगे? तुम्हारा आंसर डॉट बैक, अगर वो लास्ट एलिमेंट से बड़ा है तो क्या करोगे, आंसर में डाल दोगे इसको भी। बट अगर नहीं है, अगर नहीं है तब क्या करोगे? अगर नहीं है तो जस्ट बड़े एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करूंगा। तो मैंने बोला इंडेक्स फाइंड आउट करूंगा, मैंने बोला यहां पे के फाइंड इंडेक्स ऑफ जस्ट बड़ा एलिमेंट, हमने बोला इंडेक्स इज इक्वल्स टू, ये आपने निकाला लोअर बाउंड ऑफ व्हाट, लोअर बाउंड निकाला भैया हमने आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट एंड, और किसका लोअर बाउंड चाहिए, ए ऑफ आई का। ठीक है, तो ये तुम्हें लोअर बाउंड निकाल के दे देगा, ठीक है, एक एड्रेस दे देगा, इसको तुमने माइनस कर दिया तुम्हारे आंसर डॉट बिगिन से, और माइनस करने के बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें एग्जैक्ट इंडेक्स मिल जाएगा, तुम्हें एग्जैक्ट इंडेक्स मिल जाएगा उस जस्ट बड़े एलिमेंट का, इंडेक्स मिल गया। आप क्या करूं, रिप्लेस कराओ ना भाई, आंसर ऑफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई, ए ऑफ आई। तो ये तुमने कर दिया, इतना करने के बाद तुम्हारा आंसर क्या भेजना है, जो भी तुम्हारे आंसर वाले एरे की लेंथ होगी, जो भी तुम्हारे आंसर वाले एरे की लेंथ होगी वो तुमने रिटर्न कर दी। मैंने बोला चेक करके देखो एक बार, कंपाइल एंड रन करो फटाफट, चल रहा है, चल रहा है, सबमिट करो फटाफट, ये भी चला गया। तो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है, अगर तुम ध्यान से कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर देखो तो ये लूप चल रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन, और ये बाइनरी सर्च आपने यहां लगाई तो ये होगी ओ ऑफ लॉग एन, तो तुम्हारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन लॉग एन। बात समझ में आती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो कितना स्पेस लग रहा है भैया, ये आंसर आपने लिया है यहां पर और आंसर एट मैक्स आपका एन साइज तक जा सकता है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी, खत्म। क्या यही सोल्यूशन डिमांड नहीं किया था यहां पर? देखो यहाँ पर ये सोल्यूशन डिमांड किया हुआ था, हमने कर दिया सॉल्व, राइट। थोड़ा इंट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि यार पहले कभी करा हुआ होगा, दोबारा तभी कर पाओगे, मैं हाँ बोलूंगा इस चीज में, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं इंट्यूशन एकदम से आ जाएगा तुम कर लोगे, नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा पहले से करा हुआ होगा ज्यादा फायदा होगा, अगर आपको पहले से पता है तो पता है, वैसे थोड़ा सा इंट्यूशन वाइज मुश्किल है, उतना इंट्यूटिव सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ये तो तीन चार एग्जांपल्स पर ड्राई रन करना, बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी दोस्त, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको ये वाला, ड्राई रन करना हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पर हमने सारे सोल्यूशन देख लिए कि रिकर्जन से किस प्रकार करना है, मेमोराइजेशन से किस प्रकार करना है, टैबुलेशन मेथड से किस प्रकार करना है, टैबुलेशन वाले मेथड को ऑप्टिमाइज करके भी देख लिया, स्पेस ऑप्टिमाइज, और फिर बाइनरी सर्च लगा के उनमें से सॉल्व करके देख लिया। पर भैया आप तो रशियन डॉल वाला क्वेश्चन भी कह रहे थे, मैंने कहा सॉरी भूल गया, अब हम चलते हैं रशियन डॉल वाले क्वेश्चन पर। रशियन डॉल्स ये था क्या, हाँ यही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट समझते हैं एक बार, ठीक है, सिंपल सेम प्रिंसिपल पर आधारित है, ध्यान से देखो।
हम मतलब आपको एक 2D array दिया हुआ है, आपको एक 2D array दिया हुआ है जहां पे आपको ना एनवेलप की विड्थ और हाइट दी हुई है। आपके पास बहुत सारे एनवेलप्स हैं, आपके पास बहुत सारे एनवेलप्स हैं, उनकी विड्थ और हाइट आपको इनपुट में दी हुई है, मतलब बिल्कुल ठीक है। एक एनवेलप का आप दूसरे एलिमेंट में तभी फिट कर पाते हो अगर हाइट और विड्थ दोनों कम है बड़े वाले एलिमेंट, बड़े वाले एनवेलप से, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, वन एनवेलप कैन फिट इन टू अनदर इफ एंड ओनली इफ बोथ द विड्थ एंड हाइट ऑफ एनवेलप आर ग्रेटर देन द अदर्स एनवेलप विड्थ एंड हाइट। तो तुम्हारे दोनों डायमेंशन छोटी होनी चाहिए तभी तुम बड़े वाले एनवेलप के अंदर छोटे वाले एनवेलप को डाल पाओगे, बिल्कुल सही। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनवेलप्स यू कैन रशियन डॉल दैट इज पुट वन इन टू अंदर। तो आपको बताना है मैक्सिमम कितने एनवेलप का आप एक दूसरे के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ, ये दिया एग्जाम्पल के अंदर कि यार आपके पास मान लो एक एक एनवेलप है जिसकी ये है विड्थ है 5 और ये है 4, ठीक है। अगले एनवेलप है जिसकी विड्थ है 6 और ये है 4, ठीक है। अगले एनवेलप है जिसकी विड्थ है 6, ये है 7। अगले एनवेलप है जिसकी विड्थ है 2 और ये है 3, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार ये 2 और 3 वाला तो इसके अंदर डल सकता है ना। देखो ऐसे भैया ये 2 है और ये 3 है, छोटा है ना, डल गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हटा दो, ये इसके अंदर डल गया। और फिर मैंने बोला कि यार ये 5 है और ये 4 है तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ सकता है, 6 और 7 वाले के अंदर, ये 6 और ये 7, तो इसको हटा दिया, ठीक है। और ये तो खैर फिट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 एनवेलप 2 एनवेलप 3 एनवेलप। तो आपका आंसर या आउटपुट कितना आ गया, 3 आना चाहिए। हमने देखा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 3 को डाला 5 4 में, 5 4 को डाला 6 7 में, वही तो किया हमने, 2 3 को डाला 5 4 में और 5 4 को डाला 6 7 में, बिल्कुल सही। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। अगला एग्जाम्पल क्या दिया कि आपके पास 3 एनवेलप है, 1 एनवेलप ये रहा, 1 एनवेलप ये रहा और 1 एनवेलप ये रहा, ठीक है। आपको बोला ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये तीनों का साइज सेम है, कोई किससे छोटा है ही नहीं। तो यहाँ पर मैक्सिमम एनवेलप कितने हो सकते हैं, 1 ही हो सकता है भैया, 1 आंसर आ गया, बिल्कुल सही। तो 1 आपका आंसर आ जाता है, 1 आपका आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बोला कर लेंगे, ऐसा मुश्किल नहीं है, सॉर्ट करना पड़ेगा, पर सॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना, मतलब 1 by 1 छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ मैं जाऊं तो मेरा फायदा होगा ना, क्या इसको मैं इसमें डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये वाला सॉर्टेड ऑर्डर में होता तो कितना आसान होता, ये 5.4 है, ये 6.4 है, ये 6.7 है और ये 2.3 है। अब सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे आता मेरे पास, सॉर्टेड ऑर्डर में ऐसा आता कि मैंने बोला कि विड्थ के टर्म्स में, यानी जो पहला एलिमेंट है विड्थ, इसके टर्म में सॉर्ट कर दो। तो आपने बोला 2.3 ओके, फिर आया 5.4 ओके, पर यहाँ पर 2 सेम विड्थ आ गई, इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है, इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, मैंने बोला यहाँ पे हाइट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, कि जिसकी हाइट बड़ी है वो पहले आए, कि 6.7 और 6.4। वाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैंने बोला दोस्त ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर हम इस वाले को इंक्लूड कर लें पहले तो जो अगला वाला एलिमेंट आएगा ये तो हम इंक्लूड में खैर नहीं कर पाएंगे, तुम्हें पता है कि जिसकी भी विड्थ सेम होगी उसको तो आपस में इंक्लूड नहीं कर पाओगे क्योंकि सेम अलाउड ही नहीं है डलना। तो अगर हमने इसको ले लिया तो जो अगला एलिमेंट इंक्लूड करने वाले हैं उसके पास हाइट 7 है डालने के लिए, बट अगर मैं इस वाले को ले लेता तो जो अगला एनवेलप इंक्लूड करता तो उसके पास सिर्फ हाइट 4 होती, समझ रहे हो। तो मैं जानबूझ के सबसे पहले सबसे ज्यादा हाइट वाला एनवेलप रख रहा हूं। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे ऐसा बन गया और ये बन गया आपका अगला 6.4, ठीक है। इसको एक बार ऐसे दिखाता हूँ आपको और समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से बना हुआ ये। मैंने बोला आप हैं 2, आप हैं 3, आप हैं 5, आप हैं 4, आप हैं 6, आप हैं 7, आप हैं 6, आप हैं 4, ये मेरा सॉर्टेड ऑर्डर है, ठीक है। मैंने बोला कि विड्थ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और अगर मान लो कहीं पर आपकी ए की विड्थ तो जो है बी की विड्थ के इक्वल हो जाए तो उस केस में आप हाइट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना, ये आपका सॉर्टिंग का लॉजिक है। वाई वाला रीजन क्यों वो ऑलरेडी आपको समझा दिया, राइट, समझा दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, मैंने बोला गेम बहुत ज्यादा आसान है, गेम बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान है, गेम बहुत 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 ज्यादा आसान है। कैसे करना है, मैंने बोला कि विड्थ को तो अब तुम छोड़ दो, कि विड्थ को तो तुम छोड़ दो, विड्थ में जो तुमने करना था ऑलरेडी तुमने कर लिया, तुम्हें बस हाइट के ऊपर, ये जो हाइट वाला कॉलम देख रहे हो ना, ये हाइट वाला कॉलम, इस हाइट वाले कॉलम के ऊपर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ निकालनी और काम हो गया, जो सॉल्व ऑप्टिमल
बाइनरी सर्च वाला कोड लिखा था ना, वो भी लिखना है, खत्म, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, देख लो करके देख लो क्या है तुम्हारे पास। 3 4 7 4 3 4 7 4 तुमने बोला भैया 3 1 3 से शुरू हुआ तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 भी आ जाएगा, ठीक है, पर ये वाला 4 नहीं आ पाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। बताओ मुझे इसका आंसर 3 था कि नहीं था? हाँ भैया इसका आंसर 3 था, हाँ ये तो आ गया। पर भैया ये भी तो हो सकता है कि ये वाला एनवेलप और ये वाला एनवेलप दो बार आ जाए 6 वाला। मैंने बोला कैसे हो जाएगा, मैं तो आपने तो हाइट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था ना, स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था ना, और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला सब सीक्वेंस चाहिए, तो इस वजह से सेम विड्थ के एनवेलप आपके आंसर के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि सेम विड्थ के एनवेलप को आपने हाइट के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर दिया है। बात समझ में आती है? तो इस प्रकार बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, पहला जो आपका काम था इसके अंदर वो था सॉर्ट करना, किस फ्लो में, इस फ्लो में सॉर्ट करना, और सेकंड काम आपका क्या था कि भाई ये जो सेकंड कॉलम हमारा पास है हाइट वाला, इसके ऊपर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस लगा देना, कौन सा वाला, डीपी प्लस बाइनरी सर्च वाला, जो लास्ट सॉल्यूशन सॉल्व ऑप्टिमल वाला डिस्कस किया ना अभी, वही करना आपको। तो आप एट द एंड ये सॉल्यूशन कर पाएंगे ओ ऑफ एन लॉग एन के अंदर, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओ ऑफ एन हो जाएगी, इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है इसको सॉल्व करने का। हार्ड लेवल क्वेश्चन था ये, तुम्हें आसान लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ये क्वेश्चन प्लीज कर लेना, मजा आ जाएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, धन्यवाद एवरीवन। अच्छा कमेंट से बता के जाना कि कैसे लगे, देखते नहीं आपके वीडियोज़।